अरे कृष्णा, तो आज मैं आप सभी के सामने भागवत विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भागवत है क्या चीज़। तो जो श्रीमद् भागवतम है, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, निम्न गामनाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, और भक्तों में सबसे अग्रगण्य शिव जी हैं, उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत में समस्त पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस समय वेद व्यास जी ने सारे लगभग 17 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, कई सारे ग्रंथों का संकलन किया, लेकिन फिर भी उनको जब संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके बाद में उनके गुरुजी श्री नारद जी आए वहाँ पर, और नारद जी ने व्यास जी को चिंतित देखा, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने इतने सारे ग्रंथों का संकलन किया, लेकिन जब मेरे को शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो फिर अन्य दूसरे व्यक्तियों को जो इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनको फिर कैसे मार्गदर्शन करेंगे ठीक से। तब जो है श्री नारद जी ने जो है व्यास जी से कहा कि आपने भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, भगवान श्री कृष्ण की, उनके भक्तों की महिमा के बारे में वर्णन नहीं किया है, इसलिए आप क्या करो जो है, आप ऐसा एक ग्रंथ लिखो जिसमें टोटली भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया हो। इसके बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा। तो ये भागवत जो है व्यास जी की एक परिपक्व अवस्था में इस भागवत का संकलन किया गया है। तो इसलिए धर्म प्रोजित केतुवत्र, ये श्रीमद् भागवतम है। वास्तव में देखा जाए तो संसार के अंदर लोग अनेक अनेक प्रकार के धर्मों से जुड़े हुए हैं, और वो सोचते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, लेकिन वास्तव में सही क्या है और ठीक क्या है, वो उसको जो है हम शास्त्र से निर्णय लेना चाहिए। तो भागवत जो है इस बात को बताता है कि वास्तव में सभी व्यक्ति का जो एकमात्र धर्म है वो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करना है। तो भागवतम के अंदर इसका अच्छी तरीका से जो है विश्लेषण किया गया है। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, यदि कोई मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहता है और अपने गोल को प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे अवश्य ही श्रीमद् भागवत की शरण लेना चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए अभी जो है इस्कॉन के द्वारा एक वृंदावन में बहुत ही अच्छा जो है भागवत केंद्र खोला गया, स्कूल खोला गया है, जिसके अंदर जो है जो भी स्टूडेंट होंगे जो भागवत पढ़ेंगे, उनके लिए फ्री शिक्षा दी जा रही है, फ्री भोजन दिया जा रहा है, और फ्री रहने के लिए दिया जा रहा है। तो इसलिए हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार का एक हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसका हमें जो है लाभ लेना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए आप सभी से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, कि ये जो हमें अवसर दिया जा रहा है भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए, और जो है श्रीमद् भागवत का अच्छी प्रकार से जो है हमें अध्ययन करना चाहिए। यदि हम ठीक से भागवत को समझेंगे तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, यदि हमें खुद ठीक से इस चीज़ को नहीं समझे फिर दूसरों के ऊपर हम क्या प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए पहले हमें खुद अच्छी तरीका से भागवत का अध्ययन करना चाहिए, उसको ठीक से मतलब अपने जीवन में उतारना चाहिए, फिर हम दूसरों को अच्छी तरीका से समझा सकते हैं। तो इसलिए जो भागवत विद्यालय वृंदावन के अंदर शुरू किया जा रहा है, उसका हम सभी को जो है बेनिफिट लेना चाहिए। इस्कॉन के द्वारा एक बहुत बड़ा हमारे लिए हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। हरे कृष्ण।